हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन रंगवार की किचन चैनल। आज फिर से हूँ, हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नई रेसिपी लेकर। अगर मेरी रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी है। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आलू ले लिए हैं, इन्हें कट कर लिया है और कट करके अच्छे से साफ करके धो लिए हैं। धोकर हमने यहाँ पर रख लिए हैं। अब हम यहाँ पर बेसन डालेंगे। हमने तीन तीन आलू लिए हैं तो हम 4 चम्मच बेसन डालेंगे। अभी हम 4 चम्मच बेसन डाल रहे हैं, थोड़ा कम ही डाल रहे हैं 4 चम्मच से। और हम यहाँ पे हरा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज प्याज कट करके रखा है, अब इसे प्याज को डाल देते हैं। और यहाँ पे हम हरी मिर्ची डाल देते हैं। और हम यहाँ पे मसाले डाल देते हैं। हम हल्दी डाल देते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। धनिया पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा हींग डाल देते हैं। थोड़ा सा अजवाइन डाल देते हैं और इन सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सूखा सूखा हो रहा है इसलिए मात्र हम 1 बूंद पानी डाल देते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल 2-3 बूंद पानी है, ये हम हाथ में लेके डाल देते हैं और इससे ही हमारा ये काफ़ी अच्छा ये बन जाएगा। हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर या चावल के आटे का भी यूज़ करते हैं, कर लेना यूज़ कर सकते हैं। और बेसन की जगह अगर हम चावल का आटा यूज़ करेंगे तो हमारे और ज़्यादा करारे करारे पकौड़े बनेंगे, क्योंकि चावल का आटा है और जो कॉर्नफ्लोर है वो हमारे इस पकौड़ों को और ज़्यादा 4 चांद लगा देता है और ज़्यादा करारा बना देता है। फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा मिल गया है, पूरा मिक्स कर दिया हमें सारा बैटर को। यहाँ पे हरा धनिया डाल देते हैं और हरे धनिया को भी बारीक बारीक कट कर लिया है और इसमें मिक्स कर देते हैं। इसमें खूब अच्छे तरीके से मिला देंगे। हरे धनिया का टेस्ट पकौड़ों में बिल्कुल अलग से ही आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर पकौड़ों में हरा धनिया ना हो नहीं होगा तो वो मज़ा नहीं आएगा और बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा पकौड़ों में और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखिए हमने मिला दिया है। चलिए अब हम पकौड़े बना लेते हैं, इसके कढ़ाई की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है, अब इसमें ऑयल डाल दिया हमने, सरसों का ऑयल डाला है। आप कोई सा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और लोहे की कढ़ाई रख दी हमने, आज लोहे की कढ़ाई में पकौड़े बना रहे हैं। चलिए हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें पकौड़े डाल लेते हैं। ये सरसों का ऑयल है इसलिए थोड़े थोड़े झाग हो रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरफ भून गई है हमारी, अब इन्हें पलट लेते हैं।
कि हमारे थोड़े बड़े बड़े आलू कटे हुए हैं, लंबे लंबे और बड़े बड़े आलू काटे हैं हमें बिल्कुल पतले पतले पीसेस में, तो ये हमारे काफ़ी अच्छे से भुन जाएंगे और काफ़ी अच्छे लगेंगे। चलिए इन्हें भुनने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पकौड़े भुन गए हैं, अब हम इन्हें निकाल देते हैं। ये हमारे पकौड़े निकल के रेडी हो गए हैं, और चलिए अगले स्टेप भी कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सारे स्टेप भुन गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे पकौड़े बन के रेडी हो चुके हैं, इन्हें खाइए पिए इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे पकौड़े बने हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना, और बहुत ही करारे करारे रहते हैं, बिल्कुल गरम गरम और करारे करारे हैं। आप चाय सॉस किसी के साथ खा सकते हैं और अपने रजाई में सर्दियों का मज़ा उठा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बताना मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। चलिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।